हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 36 साइज ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो हमें ब्लाउज़ की मैचिंग का अस्तर ले लेना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो है अस्तर हमारा 20 रुपीज़ वाला है और कहीं कहीं पर ये 25 वाला भी है। तो 36 साइज के लिए मैं ये आपको बताऊँगी कि आप लोग थोड़ा बड़ा एक अस्तर ही लें, 15 वाला पीस नहीं लें। तो देखिए, आपको डबल लेयर में फ़ोल्ड कर लेना है और डबल लेयर में फ़ोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पर सबसे पहले चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है कि कितना कपड़े में हमें ब्लाउज़ की कटिंग करना है। तो अगर आपका ये ब्लाउज़ जो है 36 साइज़ का है, तो 36 का हमको आधा करना है। तो ये देख सकते हैं आप, 36 का आधा जो है हमारा यहाँ से देखिए 18 इंच हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम 18 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से 18 इंच से मार्किंग कर लेना है और उसके बाद में हम 4 इंच यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो नीचे साइड भी हमने ले लिया है और ऊपर साइड भी उतना ही लेंगे हम टोटल। तो 18 में 4 इंच प्लस करेंगे, यानी कि हमने टोटल 22 इंच लिया है। तो 22 इंच में जो है हमें चेस्ट पूरा ब्लाउज़ जो है फ्रंट और बैक दोनों निकालना है। और अब देखिए, यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है इस तरीके से। तो अब देखिए, यहाँ पर हम दोनों पार्ट्स की कटिंग एक साथ में ही करने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि जो है एक पार्ट हमारा थोड़ा छोटा रहेगा। यहाँ से लेंथ आप देख सकते हैं कि ये 16 इंच है, यानी कि हम आसानी से ब्लाउज़ की कटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। कपड़ा जो है बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। और देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले तो इस तरीके से बढ़ा लेंगे कि एक पार्ट हमारा जो है बैक पार्ट हमारा छोटा रहेगा और ये फ्रंट पार्ट नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमें बेल्ट वाला बनाना है। तो बेल्ट वाली ब्लाउज़ में 1 इंच जो है जाएगा एक्स्ट्रा सिलाई में और आधा इंच तो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है यहाँ पर। तो यानी कि 1.5 इंच आपको बस बढ़ाना है, चूँकि हमें फ्रंट में रखना है। और बाकी तो अब देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता रहे हैं कि जो बन साइड है ये हम अपनी तरफ रखेंगे और इस साइड में हमें शोल्डर रखना पड़ेगा। इस साइड में हमें शोल्डर रखना है और नीचे की साइड हमारा कमर का साइड रहेगा और इस साइड से जो है यहाँ से हमारा चेस्ट का मार्किंग होगा। तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो बन साइड आपको अपनी तरफ ही रखना है जब भी आप कटिंग करें। तो 6 इंच हम ले रहे हैं यहाँ से तीरा, क्योंकि देखिए गले की कटिंग जो है हम बाद में करेंगे, क्योंकि देखिए गले की कटिंग बाद में करेंगे क्योंकि आगे का गला छोटा और आगे पीछे का गला बड़ा रहेगा, इसलिए जो है। और जो मोड़ा है या फिर यूं कह लीजिए आर्महोल, तो आर्महोल भी हमने 6 इंच लिया है। आप शोल्डर तो देखिए, चेस्ट में हमें ले लेना है 36 का जो है चौथाई पार्ट ले लेना है। और तो ये देखिए, 1 इंच 9 इंच पर हमने एक मार्क लगाया और 2 इंच और हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो देखिए, यहाँ से 36 का चौथाई हमको ले लेना है और यहाँ से 1.5 इंच पर हम गुलाई देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग करिए, जैसे कि 34 साइज़ का अगर ब्लाउज़ आप बना रहे हो तो फिर आपको शोल्डर में कम करना पड़ेगा, यानी कि 5.5 इंच आप शोल्डर ले सकते हैं और चेस्ट में चौथाई निकाल करके आपको 2 इंच और प्लस करना है। और लंबाई तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग रखेंगे, जितना आपकी लेंथ होगी उतना रखेंगे, उसमें से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। तो अब देखिए, यहाँ पर ये हमारा फ्रंट है, ये है हमारा बैक पार्ट। तो अब हम जो है एक एक पार्ट को अलग करते हुए यहाँ पर गले की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, गले की मार्किंग तो आप देख सकते हैं, एक साइड हमारा इस साइड गला बनेगा और दूसरी साइड में हमारा आर्म होल है। आर्म होल यानी कि दूसरी साइड में हम बाजू को जॉइंट करेंगे। इसकी स्टिचिंग का भी वीडियो मैं अपने चैनल पर जल्दी ही डालूँगी। और देखिए, जो हमारा गला है, तो गला हमने लिया है 2.25 इंच, यहाँ से हम 2.25 इंच ले लेंगे। और उसके बाद में गले की जो लंबाई है, गले की लंबाई हम लेंगे यहाँ से 11 इंच। तो 10.5 इंच हमारा गला रेडी हो जाएगा, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से देखिए, हमने इस तरीके का सेप दिया है क्योंकि हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे।
तो डिज़ाइन जब हम बनाएंगे तो आप अपने चैनल पर शेयर करेंगे, आप उसमें देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। और यहाँ से हमने 4 इंच पर डॉट लगानी है, डॉट की मार्किंग। तो जो देखिए शोल्डर जो कंधा है उसको हम बाद में छाट सकते हैं, कोई मतलब कोई पतला कंधा पहनना पसंद करते हैं, कोई चौड़ा कंधा पसंद करते हैं, ये अपने पसंद के अकॉर्डिंग है। उसमें से आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाय द वे आपको 6 से ज़्यादा नहीं लेना है, अगर फुल बाजू बना रहे हैं फुल बाजू के लिए आपको 6.5 इंच लेना होगा शोल्डर की, हाफ बाजू है हमारी तो हमने 6 इंच लिया है। और गले की लंबाई आप अपने पसंद से रख सकते हैं, आपको जो इतना गला रखना है। आगे के गले भी मैं इसी उसी शेप में बनाऊंगी जैसे कि फ्रंट बैक से बैक गला है। और जो आगे का गला है हम अंडरग्राउंड सिलाई करेंगे, और या फिर आप तुरपाई कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए बेल्ट की मार्किंग करेंगे, उस साइड से हमने 4 इंच, इस साइड से 3 इंच लिया है, तो यहाँ पर हमें बेल्ट का शेप देना है। तो बटन पट्टी की तरफ से हमने 4 इंच लिया है, तो अब जो है यहाँ से हम शेप दे देंगे बेल्ट का। 1 इंच हमको दूसरे साइड में घटाना होता है, और हाई हुक की पट्टी की तरफ हमें 1 इंच बढ़ा करके लेना होता है मार्किंग। और अब देखिए यहाँ से हमें ले लेना है 3 इंच पर, 3 इंच पर हमें मार्क करना है, गले की साइड से हम मार्किंग कर रहे हैं। और इसको हम 2 इंच की डॉट रखेंगे, यहाँ से हमने 4 इंच लेना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ से जो है इसके 4 इंच जो था हमारा, वहाँ से उसके सिधान से हमको ले लेना है यहाँ से 11 इंच, तो 11 इंच पर हमारा टक्स पॉइंट रहेगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ से 3/6 इंच टेप रखना है 2 इंच पर। फिर अब यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, अब आपको इस तरीके से मिला लेना है। फिर उसके बाद में आर्म होल की तरफ एक डॉट जाएगी हमारी 2 इंच पर मार्किंग करते हुए। फिर अब यहाँ से आर्म होल की तरफ में मिला देना है, और ये देखिए 3.5 इंच पर हमारी डॉट की मार्किंग यहाँ से हो गई है। और जो है यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ हम शेप दे देंगे, क्योंकि ये हमारा आगे का पल्ला है, तो आगे का पल्ला हमें छाटना होता है 1/2 इंच, बैक से थोड़ा कम रखना है। और उसके बाद में देखिए इस तरीके से हम मार्किंग कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारा सारी डॉट्स हमारी पतली रहेंगी, बस नीचे वाली जो डॉट है इसमें हमने 1/4 इंच पर मार्किंग किया है, नीचे वाले डॉट हमारी थोड़ी सी मोटी रहती है बेल्ट वाले ब्लाउज में। और अब देखिए यहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है, तो अब देखिए यहाँ पर हम आर्म होल को छांट लेंगे, और उसके बाद में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। बैक और फ्रंट पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है, कंधा आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर आप कम पहनना चाहते हैं कंधा तो आप उसको छांट लीजिए हल्का हल्का सा, और दोनों साइड में रब कर लेंगे इस तरीके से हम डॉट्स को। फिर आप यहाँ से चौक से डार्क मार्किंग कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारे स्लीव्स के लिए कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बचा है, इसमें आप एल्बो स्लीव्स भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें हाफ स्लीव बनाना है। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से हमने फोल्ड करके देख लेना है, ये कपड़ा थोड़ा कम है, 8 इंच आ रहा है, हमें 9 इंच चाहिए, तो हम दूसरी तरीके से स्लीव्स की कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये हम देखिए डबल लेयर में एक बार फोल्ड कर ले रहे हैं लंबाई की तरफ से। लंबाई की तरफ से फोल्ड करने के बाद में अब एक बार और हमको फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरीके से हम इतना ही फोल्ड करेंगे कि सिर्फ हमारी स्लीव निकल आए, ज़्यादा नहीं बचना चाहिए फालतू जो है, तो 9 इंच हमारा हो जाए। और उसके बाद में आस्तीन की जितने भी आपको लंबाई चाहिए उसमें से आप 1 इंच प्लस करिए, अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं स्लीव में तो फिर आपको जो है 1.5 इंच बढ़ा करके लेना होगा। तो हमने सिर्फ 1 इंच लिया है, क्योंकि हम अंडरग्राउंड सिलाई करेंगे, अंदर की तरफ मशीन से जो है फोल्ड कर देंगे तो सिर्फ 1/2 इंच ही जाएगा। और यहाँ से गहराई देंगे 4 इंच पर, उसके बाद में हम स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरीके से, और आस्तीन की चौड़ाई दूसरी तरफ से मार्किंग करेंगे हम इस तरीके से। अंदर की तरफ भी मार्किंग ये कर लेना है हमें। अब यहाँ से हम
दो लेयर को उठा करके इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पे रहेगा। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे जिससे कि हमें ध्यान रहेगा कि हमें सिलाई के समय फ्रंट पार्ट में रखना है। तो देखिए अस्तर में हम किस तरीके से कटिंग करेंगे, तो देखिए सीधा जो पार्ट है उसको हम अंदर रखेंगे और एक इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे कि हमारा जो ब्लाउज़ के सारे पार्ट्स हैं वो आ जाने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये किनारी को निकाल के अलग कर लेना है, सबसे पहला काम वो करना है ये। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ से अच्छे से रख के, बराबर से रख कर के, थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा लेते हुए आपको कटिंग कर लेना है। आप गले की कटिंग बाद में भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा बढ़ा करके लेना है, कटिंग करना है। बिल्कुल अस्तर के बराबर से कटिंग नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसको हम बाद में सिलाई करने के बाद में छाटेंगे। अब यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट निकालना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम एक बार फिर से इधर से बढ़ा करके मार्किंग, यानी कि बढ़ा करके रख लेंगे। तो हम इस तरीके से रखेंगे कि जो है हमारे पार्ट्स और बेल्ट और स्लीव सब कुछ निकल आना चाहिए। तो बेल्ट हमारी यहाँ पर काफ़ी कपड़ा बचा है, तो यहाँ पर हम बेल्ट को निकालेंगे, क्योंकि ये कपड़ा हमारा काफ़ी बेस्ट ही हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम इस तरफ निकाल सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए दूसरी साइड में हमारा कपड़ा काफ़ी बचा है, यहाँ पर हम 10 से 11 इंच की स्लीव्स भी बना सकते हैं, और या फिर आपकी जितनी स्लीव है 3 इंच 4 इंच 5 इंच जो भी आपकी स्लीव है आप रख सकते हैं, या फिर अगर आप छोटी स्लीव बना रहे हैं तो उसमें आपका जो कपड़ा बचा है उसमें आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।